हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन आफ्टर डिस्कसिंग द इशू ऑफ शेयर्स एट पार एट प्रीमियम लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक व्हिच इज द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट देखो हम अभी तक ये चीज जान चुके हैं कि अगर फेस वैल्यू सौ है लेट्स सपोज तो सौ वाले शेयर्स को सौ पर ही इशू करना उसे हम इशू एट पार कहते हैं अगर हम सौ वाले शेयर्स को एक सौ बीस रुपए के हिसाब से इशू करते हैं तो उसे हम इशू एट प्रीमियम कहते हैं लेकिन अगर हम सौ वाले शेयर्स को नाइन्टी फाइव या नाइन्टी मतलब लेस देन फेस वैल्यू अगर इशू करें तो वो इशू कौन सा इशू कहलाया जाएगा इस तरह के इशू को हम इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट का नाम देते हैं वेन अ शेयर इज इश्यूड एट अ प्राइस विच इज लेस देन इट्स फेस वैल्यू इट इज सेट दैट इट हैज बीन इश्यूड एट डिस्काउंट ठीक है तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दी लेकिन क्या एक कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है शायद अर्लियर सेशंस में भी मैंने आपके साथ ये छोटा सा हल्का सा हिंट जिक्र किया हुआ है कि एक कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है जनरल पब्लिक को माइंड माई वर्ड्स जनरल पब्लिक को तो लोगों को जब हमने सब्सक्रिप्शन करने के लिए इनवाइट करना हो तो लोगों से हम कभी भी डिस्काउंट के अकॉर्डिंगली पैसा नहीं मंगवा सकते मतलब लोगों को जनरल पब्लिक को हम डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं कर सकते हैं लेकिन हमने एक स्वेट इक्विटी शेयर्स नाम का कंसेप्ट पढ़ा है जिसमें हमने ये देखा था कि एक कंपनी अगर चाहे तो अपने जो इम्प्लॉइज होते हैं या जो प्रमोटर्स होते हैं उन्हें शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर सकती है तो आपको इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट के रिगार्डिंग कुछ नहीं करना है या कोई प्रैक्टिकल कंसेप्ट कुछ नहीं है ये प्रोहिबिटेड हो चुका है हम जस्ट थ्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक छोटा सा आज ये सेशन कवर करेंगे जो हार्डली फाइव मिनट्स का होगा तो देखते हैं कि क्या प्रोहिबिशन हमें बताई गई है एज पर सेक्शन 53 थ्री ऑफ दी कंपनीज एक्ट टू कंपनीज वुड नो लॉन्गर बी परमिटेड टू इश्यू दी शेयर एट अ डिस्काउंट तो आपको यहां पर ये प्रोहिबिशन पता चल गया कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंगली है ये भी पता चल गया दी ओनली शेयर्स डेट कूड बी इश्यूड एट डिस्काउंट आर स्वेट इक्विटी शेयर्स तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स याद होगा अगर नहीं याद है तो काइंडली अर्लियर सेशन जरूर चेक कीजिए और देखिए कि कैसे उसमें सेक्शन फिफ्टी फोर के अंडर हमें यह एक्सप्लेन किया हुआ था कि इम्प्लाईज को या प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स को हम ये स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं अदरवाइज जनरल पब्लिक को डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते हैं सिर्फ इन्हें हैवी डिस्काउंट्स पर शेयर्स इशू किए जा सकते हैं अब क्योंकि आज का हमारा सेशन बहुत ही छोटा है तो इसलिए मैं एक और टॉपिक जो है वो साथ में कवर कर रही हूं विच इज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्योंकि आपको पता है कि फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है जैसे अगर कंपनी दस हजार शेयर्स इशू कर रही है और लो, लोग दस हजार शेयर ही खरीदने के लिए अगर तैयार हो जाते हैं तो हम ऐसे केस को फुल सब्सक्रिप्शन का केस कहते हैं लेकिन अगर दस हजार की बजाय सिर्फ लोग जो हैं वो आठ हजार शेयर्स खरीदने के लिए ही राजी हों मतलब कंपनी को अगर आठ हजार शेयर्स के हिसाब से ही एप्लीकेशंस रिसीव हों तो उस केस को हम क्या कहेंगे वैसे तो जब हमने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल किया है तब हमने ये चीज समझी है तो इस केस को अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कहा जाता है समटाइम्स नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय दी कंपनी मतलब जितने कंपनी ने इशू किए थे जितने कंपनी ने ऑफर किए थे लोगों ने उससे कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस भेजी हैं तो सचन इशू को हम अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर्स या अंडर सब्सक्राइब्ड इशू कहते हैं तो इस केस में कोई फर्क नहीं है जैसा हमने पार और प्रीमियम की ट्रीटमेंट समझी है बिल्कुल उसी तरीके से ही क्वेश्चन आगे चलेगा लेकिन क्वेश्चन जिस नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेगा वो कौन सा होगा वो उन नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंगली जो लोगों ने अप्लाई किए हैं जैसे अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लू तो हमारा क्वेश्चन 8000 हजार शेयर्स के अकॉर्डिंगली बढ़ेगा उस 8000 हजार के हिसाब से एप्लीकेशन रिसीव कर लो ट्रांसफर कर दो अलॉटमेंट ड्यू कर लो रिसीव कर लो बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट कॉल्स की ट्रीटमेंट होती चली जाएंगी जैसे मैं सिर्फ आपको हिंट की फॉर्म में ये इलस्ट्रेशन नाइन ओरली बताऊंगी कि शिवा लिमिटेड ने इशू किए हैं ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स ऑफ टेन नीच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 परसेंट तो दस रूपये का 10 परसेंट एक रूपया बन गया 10 वाली चीज कितने में इशू हो रही है 11 में पेमेंट्स फॉर मेड टू बी मेड एज एप्लीकेशन पर हमने पांच रूपये मंगवाने थे इन्क्लूडिंग प्रीमियम तो ये ट्रीटमेंट मैं आपको समझा चुकी हूं ऑलरेडी कि अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम लगा हुआ हो तो पहले इन्क्लूडिंग प्रीमियम रिसीव कर लो जब नेक्स्ट एंट्री आप ट्रांसफर वाली करोगे तो उसमें से याद रखना फेस वैल्यू यानी कि चार रूपये आएंगे शेयर कैपिटल में और एक रूपये का जो प्रीमियम है वो प्रीमियम वाले खाते में जाएगा अलॉटमेंट है चार रूपये की और फर्स्ट और फाइनल कॉल है दो रूपये की तो देखो पांच जमा चार नौ नौ जमा दो ग्यारह पूरे ग्यारह इशू प्राइस हमारा बन रहा है लेकिन अलॉटमेंट की बजाय प्रीमियम किसके साथ है एप्लीकेशन के साथ अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कितने रिसीव हुई अठारह हजार शेयर्स की तो हमारा क्वेश्चन हमने ट्वेंटी थाउजेंड के हिसाब से नहीं करना हमने अठारह हजार शेयर्स के अकॉर्डिंगली करना है बस इतना सा फर्क है और अंडर सब्सक्रिप्शन के, के केस में कोई फर्क नहीं होता है तो इसीलिए बोला जाता होता है कि क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि कई बार हम फर्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन लेकिन कई बार नीचे दिया हुआ होता है कि अंडर सब्सक्राइब शेयर थे तो उस केस में हमारा किया हुआ क्वेश्चन सारा गलत हो, जा, हो जाता है तो बहुत ही ध्यान से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये इतना हल्का सा एक सेशन जिसमें आपको ओवरव्यू दिया गया इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट का और अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का ये ट्रीटमेंट्स का ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम आगे पढ़ेंगे वेज ऑफ इश्यूइंग शेयर याद रखना बेसिक पॉइंट हम क्या पढ़ रहे हैं हमने ये किया है अगर प्राइवेट प्लेसमेंट अगर कंपनी करती है तो क्या होता है अगर पब्लिक इशू करती है तो उस केस में हमने ये एट पार और एट प्रीमियम वाला केस पढ़ा डिस्काउंट वाला आज पढ़ लिया अब हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें पढ़ेंगे अगर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश हो तो उस केस में एक कंपनी कैसे जर्नल एंट्रीज कर सकती है कैसी ट्रीटमेंट्स दे सकती है तो तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है लाइक कीजिए वीडियोज को शेयर कीजिए वीडियोज को थैंक यू सो मच एंड अ नाइस डे